हाय, मैं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। वीडियो टू में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट 4 पेज करने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक पर, जो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बट इसके अंदर और जानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन पॉलीमर्स को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। अगले स्टेप में मुझे इसका मैकेनिज्म देखना है, और मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हम लोग फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे यूजिंग कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट का काम हम लोगों ने लिया है वो बेंजोइल पेरोक्साइड से लिया है। क्लियरली बहुत सारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, सब में तरह तरह के कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, बट सबके अंदर आप लोग देख रहे हैं पेरोक्साइड डाला जाता है ताकि मुझे आराम से फ्री रेडिकल मिल जाए। पेरोक्साइड बॉन्ड कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर ये ग्रुप होता है उसको हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं। क्लियरली आप लोगों को बेंजीन लगा देने से ये बेंजोइल पेरोक्साइड बन चुका है। और देखिए ध्यान से, क्या ये ग्रुप दिख रहा है? बिल्कुल मुझे ये ग्रुप दिख रहा है। इस ग्रुप की खासियत यह है, फ्री रेडिकल्स में आसानी से ब्रेक हो जाता है। एक बार ये ब्रेक हो गया खुद, देखिए ध्यान से, ये खुद ब्रेक हो गया और कुछ इस टाइप का कंपाउंड देगा। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और ये किसी और को जीने नहीं देगा। अगर ये किसी और को नहीं जीने देगा तो गाइज देखिए किस तरीके से ये ब्रेक होगा। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, कार्बन पे रेडिकल और ओ पे रेडिकल यहाँ पर CO2 बना देंगे। ये CO2 बना करके अलग हो जाएंगे, बाकी मेरे को फिनाइल रेडिकल अलग मिल जाएगा। रेडिकल अगेन किसी को जीने नहीं देगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने पॉलीथीन बनाऊंगा। मैं पॉलीथीन बनाने के लिए मैंने उसके अंदर ये डाल दिया है रेडिकल, तो ये क्या काम करेगा? ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। इस तरीके से ब्रेक होने पर ये CH2 और ये कार्बन, ये मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे आपस में। देखिए ये दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बना लिया और एक कार्बन पर रेडिकल रह जाएगा, जो कि हम लोग ये वाला कह सकते हैं। ये वाले कार्बन पर रेडिकल रह गया। अगेन मेरा फर्स्ट स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने फ्री रेडिकल अपना फाइनल, जिसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, वो जनरेट कर लिया है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप मेरा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का। सेकंड स्टेप इज प्रोपागेट करवाना है मेरे को, उसको लंबा चलवाना है। तो मैं जो भी बना रहा हूँ मेरे को उसके रिपीटिंग यूनिट्स डालने हैं। क्लियरली मैंने यहाँ पे कोई पॉलीथीन बनाना है तो मैंने यहाँ पे इथीन ले लिया है। इथीन क्या काम करेगा? अगेन इस टाइप से ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करके आपस में ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और इस पे रह जाएगा रेडिकल। देखिए गाइज इस पे रेडिकल रह गया, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि क्या रिपीट हो रहा है, CH2 रिपीट हो रहा है और लास्ट में इस टाइप का ग्रुप बच जा रहा है। CH2 देखिए ध्यान से रिपीट हो रहा है और लास्ट में इस टाइप का ग्रुप बच जा रहा है। तो क्या मैं कह दूं, जब मैं और एल्कीन के यूनिट्स डालूंगा इसके अंदर, जब मैं और CH2 डबल बॉन्ड CH2 डालूंगा, तो इसी का ही एक रिपीटिंग यूनिट मुझे मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पर N लगा दिया है कि ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसके मैंने रिपीट किए दिए कर दिए हैं। ये चीज़ आप लोगों को गाइस क्लियरली समझ में आ रही होगी। समझ में आ गई है तो ये फोटो क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप गाइस, सबसे आसान स्टेप है। जितने भी रेडिकल बने हैं वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। अब ये कार्बन और ये कार्बन अगर जुड़ जाएगा तो बिल्कुल ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए इसके अंदर पहले C6H5 है, C6H5 है, अगेन फिर ये वाला ग्रुप है रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट है, फिर यहाँ पर ये ग्रुप है प्रॉपर, बट यहाँ पे इस टाइम कार्बन 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 कार्बन, चार कार्बन लगे होंगे। तो कार्बन 1, 2, 3 और ये गाइस रिपीटिंग यूनिट के अंदर ही आ गया है, ये रिपीटिंग यूनिट के अंदर ही आ गया। अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा, मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है। फिर गाइस आपने इसको जोड़ दिया है, आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया है और ये आप लोगों को मिल गया है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देना है और ये पूरी चेन हम लोगों को मिल जाएगी। बस यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है टॉपिक। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं है। टॉपिक नंबर सेकंड पर आते हैं हम लोग अपने। टॉपिक नंबर सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। और एडिशन पॉलीमर्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया है?
पॉलीथीन बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया गाइस, पॉलीथीन बनाया। पॉलीथीन बनाने के पास मेरे पास दो टाइप के होते हैं, ये एक होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर मैं अपने लो डेंसिटी की पॉलीथीन की बात करूँ तो इनकी डेंसिटी होती है गाइस 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास की रहती है। इसके बाद इसकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये मेरा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से बनता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से बनता है ये मेरा। ये पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं यहाँ से ये जनरेट कर लूँ इस टाइप से CH2CH, यहाँ पे हाइड्रोजन मान लूँगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन मान लूँगा अगर, तो यहाँ से मेरा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू मेरा हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन का रेडिकल अलग हो जाता है, माइनस एच रेडिकल अलग हो जाता है। यहाँ से क्या बचेगा, चार कार्बन बचेंगे मेरे पास CH2 CH2। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन रह गया है, एक रेडिकल आ गया है और ये CH2 जनरेट हो गया है। अब इसके अंदर मैं गाइस क्या डाल दूंगा, एल्कीन डाल दूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाल दूंगा। तो ये किस टाइप से हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर ये इस तरीके से जुड़ जाएगा तो क्लियरली गाइस ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2 पे रेडिकल आ जाएगा और ये CH2 CH2, ऐसे ही ये रेडिकल बढ़ता चला जाएगा, कनेक्ट होता चला जाएगा, चेन बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं इन टोटल इसको बना के दिखाऊँ आप लोगों को, इन टोटल इसको बना के दिखाऊँ तो इस टाइप के यूनिट्स बार 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 जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से क्रिएट होता चला जाएगा। ये ब्रांचेस लगती चली जाएंगी, इसके ऊपर इस टाइप की ब्रांचेस लगती चली जाएंगी। क्लियरली आप लोगों को ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सा महसूस हो रहा है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो ब्रांचिंग जिसमें होती है, ये ब्रांचेस क्या करती हैं, अपने दूसरे स्ट्रक्चर को धक्का देती हैं। अपने ये ब्रांचेस क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करेंगी। इस रिपल्शन से ये जो चेन है ऊपर वाली, ये जो चेन है ये दूर हो जाएगी, वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी आप लोगों की घट जाएगी, डेंसिटी आप लोगों की घट जाएगी, इसीलिए आप इसको बोलते हो लो डेंसिटी पॉलीमर्स। गाइस ये जो रिएक्शन कैटेलाइज होती है और जिस टेम्परेचर पे होती है, जिस प्रेशर पे होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। टेम्परेचर क्लियरली आप लोग को यहाँ पे मेंशन है, प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में है। कैटलिस्ट आप लोगों का डाइऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसकी डेंसिटी कम होती है, नाम से पता लग रहा है, डेंसिटी कम है मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, डेंसिटी कम है मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। स्ट्रेंथ इसकी कम रहेगी क्योंकि दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है, स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी क्योंकि दूर भेज रहा है, ये दूसरी दूसरे वाली चेन को दूर भेज रहा है। ये बात आप लोगों को गाइस क्लियरली समझ में आ गई होगी। जितने पॉइंट्स बोले हैं सब आप लोग को याद रखने हैं। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की टेक्निक याद रखनी है, इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप लोगों को याद रखना है, बेसिक एक पिक्चर याद रखनी है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि अगर ब्रांच स्ट्रक्चर हैं तो ब्रांचेज एक दूसरे को क्या देती हैं, रिपल्शन देती हैं, और रिपल्शन से आप लोगों को क्या होता है, वॉल्यूम रिपल्शन जब होता है तो क्या होता है गाइज, आप लोगों का दूर दूर हो जाती है चेन, चेन दूर दूर हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घटने से क्या होता है, इसको हम लो डेंसिटी पॉलीमर कहते हैं। ये बात आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आ गई है अगर, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लास्ट आपको ये यूजेज इसके सारे याद रखने हैं, NCERT में जितने भी यूजेज दिए हैं आप लोगों को ये याद रखने हैं, अलग से लिख लेना वीडियो स्टॉप करके। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर मैं बात करूं तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मेरे पास इनकी डेंसिटी LDPE से ज़्यादा रहती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी इससे ज़्यादा रहेगी, अप्रॉक्सीमेट 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। इसकी बात अगर मैं करूं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, तो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 6 to 7 एटमोसफेयर प्रेशर रहता है, टेम्परेचर रहता है वो इतना रहता है, 333 to 343 कैलविन रहता है। क्लियरली इसकी डेंसिटी जो है पिछली वाली से हाई है, डेंसिटी हाई है तो स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी इसकी हाई हो जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी गाइस इसका कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियरली तीन चार पॉइंट कर लिए। आप प्रिपरेशन की बारी आती है, प्रिपरेशन काफ़ी सिंपल है इसकी। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्होंने बोला हुआ है मेरे को ये पॉलीथीन बनाना है, तो क्लियरली मैं ये यूनिट लूँगा, एन यूनिट्स इसके लूँगा, और किसकी प्रेजेंस में लूँगा, जीगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लूँगा। जीगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम के साथ C2
एच फाइव होल थ्राइस। एल्यूमिनियम गाइस तीन बॉन्ड बनाता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको जीगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। सी टू एच फाइव होल थ्राइस है, इसको आप लोग याद रखेंगे और कहाँ यूज़ किया है ये भी याद रखेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम के साथ तीन इथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, ये आप लोगों का जीगलर नाटा कैटलिस्ट है। इसके अंदर हाई डेंसिटी है तो क्लियरली इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर चेन्स जैसा होगा, क्योंकि लीनियर चेन के अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि हाई डेंसिटी पॉलीमर आता है। ये मैंने लीनियर चेन बना करके दिखा दिए हैं, जितने पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को याद रखने हैं। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट बताऊंगा इसके यूजेज के अंदर, ये सब कुछ बनाने के काम आता है और गुड क्वालिटी का आप लोगों का इसमें मेरे को फॉर्मेशन मिलती है, पॉलीमर की गुड क्वालिटी की मिलती है। अगर हाई डेंसिटी में गुड क्वालिटी की मिलती है तो ऊपर पुअर क्वालिटी की मिलेगी, पुअर क्वालिटी की मिलेगी। और साथ साथ आप लोग इन दोनों के यूजेस अलग से लिख लेंगे, दोनों के यूजेस अलग से लिख लेंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग पढ़ेंगे आराम से बैठ के वीडियो को स्टॉप करके। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा अपने टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन किससे बनेगा? टेफ्लॉन बनेगा टेट्रा फ्लोरो इथीन से। चार फ्लोरीन लगाने हैं, अगेन जैसे पहले हम लोगों ने काम किया सेम इसके रिपीटिंग यूनिट जोड़ते जाने हैं, उससे मेरे को बन जाएगा टेफ्लॉन मिल जाएगा। टेफ्लॉन पॉलीमर का नाम है, इसके होमोपॉलीमर का नाम है गाइस टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीएक्रोनाइट्राइल की। पॉलीएक्रोनाइट्राइल पॉलीमर का नाम है, किससे मिलेगा? एक्रोनाइट्राइल के रिपीटिंग यूनिट से मिलेगा। इस सीएन को यहां ना लिख करके गाइस आप लोग ऊपर लिखेंगे और इनके रिपीटिंग यूनिट्स जोड़ते चले जाएंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। अगली बात करूंगा मैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें से मेरे पास रिमूवल होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, आप लोगों इतना ही जानते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें पॉलीमर का डैक्रॉन। डैक्रॉन के अंदर आप लोग ये याद रखेंगे ये इसके कौन से रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बन रहा है, ये दो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बन रहा है। और यहाँ पे क्लियरली हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा तो देखिए ये H मैंने यहाँ से हटा दिया, OH यहाँ से हटा दिया। अब देखिए क्या ये O और ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ये हटा दीजिए, क्या आप लोगों को इस टाइप का ग्रुप मिल रहा है इसको हटाने से? क्लियरली यहाँ से OH हटा देना और यहाँ से आप लोग H हटा देना तो आप लोगों को इन दो यूनिट्स को जोड़ करके क्या मिलेगा? आप लोगों को डैक्रॉन मिलेगा। ये क्या था गाइज? इथाइलिन ग्लाइकोल था। ये क्या था? टेरिथैलिक एसिड था, या बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था। अब ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये आप लोगों को गाइज बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का काम होगा, तभी आप लोगों का काम होगा। और आपके पेपर में यही आते हैं, या तो आप लोग इनके मोनोमर यूनिट्स का नाम बता दो, इसका स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर सभी के याद होने चाहिए, या फिर पॉलीमर का पूरा आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर तो अपने पास क्या आता है गाइज, मेरे को मोनोमर यूनिट्स बताने को आते हैं। आराम से बैठ के याद करिए, इसको बनाइए, बार 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 याद करिए। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, पानी निकालना है, कुछ नहीं करना, दो यूनिट पानी निकाल देना, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने पॉलीएमाइड्स की। साथ ही साथ एक चीज़ ऊपर और रह गई है, डैक्रॉन के अंदर देखो कैसा ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप बन रहा है, इससे रिलेशन मैं बाद में निकालने वाला हूँ। अब आ जाओ पॉलीएमाइड्स के बाद, एमाइड्स कैसा ग्रुप होता है गाइस? CONH2 ग्रुप जो होता है वो एमाइड होता है। अब N के साथ मतलब दो बॉन्ड बनने चाहिए और C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ऐसा ग्रुप पॉलीएमाइड कहलाएगा। किससे बनेगा पॉलीएमाइड? सबसे पहले इसके अंदर देखूंगा तो मैं नाइलॉन 6,6 बना रखा है, ये 6 और 6 से रिलेशन है, 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, इस मोनोमर यूनिट के अंदर भी 6 कार्बन है, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, इसलिए इसको नाइलॉन 6,6 बोला जाता है। सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ले ली हैं, नायलॉन 6,6 के अंदर एक ले लिया एडिपिक एसिड और एक ले लिया है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। क्लियरली यहाँ से मुझे पानी निकालना है, कुछ नहीं करना गाइज, यहाँ से एक H निकाल देना, N के साथ H रख देना, यहाँ से OH निकाल देना, ठीक है, अगेन यहाँ से N के साथ H रख लेना और यहाँ से OH गायब कर देना। और आप लोगों को अगर ज्वाइन करोगे हाई प्रेशर पर तो ये मिल जाएगा आप लोगों को, देख लो भाई ऐसा मिल रहा नहीं मिल रहा, इनको जोड़ दो ये गायब करके तो ये मिल जाएगा। तो ये है आप लोगों का नाइलॉन 6,6, इसको बोलते हो आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। 6,6 इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ भी एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। नाम और स्ट्रक्चर, नाम और स्ट्रक्चर दोनों याद होने चाहिए। अगले स्ट्रक्चर पे आएंगे नायलॉन 6 पर, यहाँ पे केवल 6 ही कार्बन होने चाहिए, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल 6 ही कार्बन है। इसको यहाँ से तोड़ेंगे हाई टेम्परेचर पर पानी की प्रेजेंस में, तो ये किस टाइप से टूट जाएगा गाइस? यहाँ देख लीजिए कहाँ से तोड़ रहा हूँ मैं, दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ से तोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ से तोड़ रहे हैं, यहाँ से तोड़ रहे हैं, तो N के साथ H रहेगा, N के साथ H है, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
कितने कार्बन है, 5 कार्बन यहाँ पर है और एक सी डबल बॉन्ड ओ वाला हो गया, 6 कार्बन है, और इस टाइप से रिपीटिंग यूनिट जोड़ते जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा गाइस, मेरे पास बन जाएगा नायलॉन 6। और नाम याद रखना कैप्रोलेक्टम, थोड़ा सा अलग नाम है, बार 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 आएगा, पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके यूजेज तो याद रखने हैं, सबके यूजेज याद रखने हैं, पेपर में किसी के भी पूछे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पॉली एस्टर्स करेंगे इसके बाद हम गाइस, पॉली एस्टर्स आप लोग इसका एक एग्जाम्पल डेक्रॉन ऊपर बना चुके हो, जिसको याद नहीं है वीडियो स्टॉप करके पीछे देख लेना, मैं पेज छोटा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो डेक्रॉन हम लोगों ने ऊपर बनाया था, और ऊपर बनाने के साथ साथ इसके अंदर जो बनाया था वो एस्टर बनाया था। पॉली एस्टर का मतलब ये हो गया, जो पॉलीमर आप लोग बनाओगे उसके अंदर एस्टर होना चाहिए। ऊपर वाली रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 420 to 460 केल्विन है। साथ में जो कैटलिस्ट यूज़ किया है वो जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है, तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे कैटलिस्ट का। उसके बाद अपन लोगों को ये तो पता ही है कि इथाइलिन ग्लाइकोल लिया था और टर्थैलिक एसिड लिया था, ठीक है। तो ऊपर वाली रिएक्शन पॉलीएस्टर में हम लोग कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अगले पेज पर बढ़ते हैं गाइस हम लोग। इसके अंदर यहाँ पर जो हमने गाइस काम करना है वो बनाना है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाना है, जिसको प्यार से हम लोग बेकलाइट कहते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, पहले लूँगा मैं यहाँ पे फिनॉल, फिर मैं यहाँ पे लूँगा फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO होता है, और उससे जो पॉलीमर बना दूंगा उसको बोलूँगा बेकलाइट। अब देख लीजिए ये बनता कैसे है। इसके अंदर गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कैसे होती है गाइस, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये फिनॉल है, इस पे मेरे पास लोन पेयर है, लोन पेयर अगर मैं डोनेट करूँगा तो आप लोगों को पता है ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है, प्लस आर ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहाँ पड़ी है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स घुमाऊंगा तो बना के नहीं दिखा रहा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं ये हटा रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ से ये पता लग चुका है कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियरली अब मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ये लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में लूंगा मैं, ये H प्लस की प्रेजेंस में लूंगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जाकर अटैक करेगा और क्या बना देगा, H सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे प्लस आएगा, हाइड्रोजन लगा देगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया गाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खा जाएगा तो H बनेगा। कार्बन पे गाइज यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और ये OH बन जाएगा। कार्बन पे आ गया प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका रेडी है, बेंजीन के ऊपर जाएगा और बेंजीन के ऊपर किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। किस लिए ऑर्थो पे जाएगा गाइज, ये CH2OH ही है, ये CH2OH ही है, बस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है, तो बेंजीन पे पड़े यहाँ H को ये हटा देगा और खुद जाके लग जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो CH2OH ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, और ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे एक साथ भी लग सकता है। अभी गाइज ध्यान से देखिए, अगर मैं ये ऑर्थो वाला कॉम्पोनेंट उठा लूँ यहाँ पर और अगेन उसको OH प्लस की प्रेजेंस में डाल दूं, या एच प्लस या ओएच माइनस की प्रेजेंस में डाल दूं, तो ये इसके रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे, देखिए यहाँ से ओएच निकल जाएगा, और मेरे पास दूसरे बेंजीन के दूसरे ऑर्थो पोजीशन से H निकल जाएगा, तो अगेन यहाँ से वाटर हट जाएगा और ये जुड़ते चले जाएंगे, और इसको बोलूँगा मैं नोवोलैक। अगर मैंने इसका ऑर्थो पोजीशन वाला हटा दिया, ऑर्थो पोजीशन वाला ले लिया, और उसको H प्लस या OH माइनस की प्रेजेंस में अगेन मैंने रिएक्शन करवा दी अगर, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो नोवोलैक बन जाएगा, ये स्टेट चेंज बन जाएंगी, ठीक है। क्लियरली नोवोलैक से मैं बेकलाइट बना सकता हूँ, अपना जो पॉलीमर मेरा मेन बनाना था वो बेकलाइट बनाना था, मैंने अभी नोवोलैक बनाया। नोवोलैक को क्या करूँगा मैं, इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड डालूंगा एच प्लस की प्रेजेंस में, और उसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। जब इस टाइप का काम कर दूंगा तो इसके अंदर काफ़ी सारे लिंकेज हो जाएंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे क्रॉस लिंक हो जाएंगे, और एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जो मेरा इनफ्यूजेबल होगा। मतलब ये एक बार बन चुका है, अब इसको मैं दोबारा से सही नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार बन चुका है और इस टाइप से मैं बनाऊंगा क्लियरली अपना बेकलाइट। तो दोबारा से समझा देता हूँ, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर को मैं क्या कहता हूँ, बेकलाइट लेता हूँ, मैं फिनॉल लेता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ, एच प्लस ओ एच माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है,
इससे मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये मेरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर ये क्या बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रोफाइल सीधा जाके वहाँ लग जाएगा, तीन टाइप की चीज़ें मिलेगी, उसमें से मैंने ये उठा लिया वापस से, इसको इसको ही एच प्लस ओ एच माइनस की प्रेजेंस में ट्रीट करवा दिया, हीट करवा दिया, यहाँ से अगेन वाटर निकल जाएगा और मेरा नोवोलैक बन जाएगा, स्ट्रेट चेन बन जाएगी। इसी स्ट्रेट चेन को मैंने अगेन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना है एच प्लस की प्रेजेंस में, हीट करवाना है, बेकलाइट बनाना है। आप ध्यान से सुन लो, इसको आपने कहीं भी बना के नहीं दिखाना है, इसके आप लोगों को यूजेज पता होना चाहिए, आप लोग को बेकलाइट के यूजेज पता होने चाहिए, ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए आप लोगों को ये सारे के सारे याद होने चाहिए। इसको बनाने का कोई पर्पज नहीं है, इसका मैकेनिज्म याद होना चाहिए किस टाइप से गया हुआ है, इसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो आप लोगों को याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कभी घबराने की ज़रूरत है। इसके बाद अगले हम लोग पॉलीमर पे बढ़ेंगे गाइस, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन मैं अपने स्ट्रक्चर को कहता हूँ, क्लियरली ये फॉर्मेल्डिहाइड है गाइस। यहाँ पे हो क्या रहा है, नाइट्रोजन पे अगेन ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये जो ऊपर वाला था इसमें से भी पानी निकल रहा है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, नीचे वाला भी मेरा कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर, यहाँ भी मेरा पानी निकलेगा। ये देखिए आप ध्यान से, पहले मैं ये बनाऊंगा रेजाइन इंटरमीडिएट बनाऊंगा और फिर इसमें से मैं पानी निकाल दूंगा, इसमें से पानी निकालना है। इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए गाइस, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये एन पे लोन पेयर आता है, लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये क्या जाएगा, ओ पे माइनस बनाएगा, और अपन लोग का ये इस तरीके से, ये एन का ग्रुप है, ये एन का ग्रुप है, एन पे दो एच लगे हुए हैं, यहाँ पे ये एन पे प्लस बन जाएगा और ये कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, जो एरो दिख रहा है वहाँ पे चेंज, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, ये दो एच इसके ऊपर लगे हुए हैं, एन पे प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, झेल नहीं पाएगा प्लस चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा और H प्लस लूज होके OH बन जाएगा, तो क्लियरली CH2, ये आप लोगों को CH2 दिख रहा है, अगर O के साथ H चला जाएगा, अगर O के साथ ये वाला H अगर यहाँ पे चला जाएगा, माइनस चार्ज हट जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ से केवल N के साथ H बचेगा, प्लस चार्ज हट जाएगा, N के साथ एक H बचा हुआ है ये भी हट गया है, N के साथ एक H बचा हुआ है, CH2OH बचे हुए हैं आप लोग को जो यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक बार ये बन गया, यहाँ से पानी निकाल दो, यहाँ से आप लोग क्या निकाल दो, पानी निकाल दो, यहाँ से पानी निकाल के अगले पेज पे आप लोगों को दिखा देंगे क्लियरली। क्लियरली पिछले स्ट्रक्चर में देखना ज़रा ध्यान से, यहीं बता देना था आप लोग को क्योंकि वहाँ पर इतना बता नहीं पाएंगे। ये OH निकाल देना यहाँ से, यहाँ से H निकाल देना, और अब एज्यूम कर लो ज़रा क्या बनेगा, OH निकाल दोगे तो CH2 बचेगा, NH बचेगा। अगले पेज पे देखना, ये आप लोगों का पॉलीमर बना हुआ है, मेलामाइन पॉलीमर, और क्लियरली आप लोगों को इसके इसके क्या याद होने चाहिए, आप लोगों को इसके याद होने चाहिए मोनोमर यूनिट, जो मोनोमर यूनिट है वो मेलामाइन है और फॉर्मेल्डिहाइड है। मोनोमर यूनिट का नाम, मोनोमर यूनिट के स्ट्रक्चर, पॉलीमर का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे।